लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत में अखिलेश यादव के जातीय समीकरण की जबरदस्त चर्चा रही। सपा अध्यक्ष ने हर सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सपा की जीत सुनिश्चित हो सकी। भारतीय जनता पार्टी भी अब यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इसी फॉर्मूले की ओर बढ़ती नजर आ रही है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। ऐसे में सीएम योगी अब मिल्कीपुर में अखिलेश यादव को उन्हीं की रणनीति से मात देने की तैयारी में है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है, हालांकि अब तक इसे लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी हर सीट पर जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में भाजपा पासी समुदाय के उम्मीदवार को ही मैदान में उतार सकती है।